आज पहली बार ऐसा हुआ, और बहुत गंभीर मुद्दे पर भी मैं बात करने जा रहा हूं, कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का बम्बे में उनका जो निवास स्थान था उसके ऊपर, जिसको शायद यदि मैं गलत नहीं तो राजगुरु कहते हैं बम्बई में, उनके निवास स्थान पर इतने सालों में पहली बार उस घर के ऊपर काला झंडा लहराया गया है। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के सदस्यों के द्वारा। आज 14 अप्रैल के अंबेडकर जयंती के दिन पूरे भारत के लोगों को, पूरे देश के सभी नागरिकों को, और विशेष तौर पे जो दलित समुदाय के, दलित बहुजन जो साथी है, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 14 अप्रैल के अंबेडकर जयंती के इस मौके पर बाबा साहब अंबेडकर के निवास स्थान के ऊपर काले रंग का झंडा लहराया गया। साथियों, मामला ये है कि आज जब भी इस वक्त मैं आपके साथ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से साक्षात्कार कर रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसी वक्त चंद घड़ियों के अंदर, आने वाले कुछ मिनटों के अंदर, या शायद 2 बजे के पहले तक, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के ही एक सदस्य, प्रकाश अंबेडकर के बहनोई, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद और भारत के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े, जिनके बारे में मैं कई दिनों से सोशल मीडिया में हम लोग एक कैंपेन भी चला रहे, कल ट्विटर ट्रेंडिंग भी हुआ था, वो डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े की भीमा कोरे गांव के कंप्लीटली फ्रिवलस, कंप्लीटली फर्जी मामले में उनका आज गिरफ्तारी होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आखिरी में जब जब ये पूरा मामला सर्वोच्च अदालत के सामने गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे उनको डायरेक्शन दिया है, उन्होंने उनको आदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 7 दिन के अंदर, यानी कि 14 अप्रैल को वो ये डेडलाइन खत्म हो रहा है, तो आज के दिन उनको महाराष्ट्र की सेशंस कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करना है। सवाल ये हो रहा है कि जब आज पूरा देश और दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो चुकी है, हम लोगों की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि साथ में मिलकर पब्लिक हेल्थ के सवाल को उठाए, कम से कम लोगों की, या हो सके तो एक भी व्यक्ति की, एक भी नागरिक की जान न जाए, केवल भारत नहीं दुनिया के भी किसी कोने में। तो कोरोना के खिलाफ की ये लड़ाई हमारा प्रायोरिटी बनना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट बात है कि इस दौर में भी, इस माहौल में भी, हमारा ये महान न्यायतंत्र आनंद तेलतुंबड़े साहब को, बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के एक सदस्य को सरेंडर करने के लिए कहता है, वो भी भीमा कोरेगांव के एक फर्जी मुकदमे के वक्त, मामले के दौरान। और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बात को लेकर किस हद तक इनसेंसिटिव है, ये इस बात से पता चल रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के सदस्य को वो लोग जेल में डालना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ी शर्मनाक चीज है, और इसीलिए 14 अप्रैल की तारीख को नहीं, इस बार के 14 अप्रैल को पूरा देश, मुझे लगता है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारा इतिहास, संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों का इतिहास, उसको एक काले दिन के तौर पे याद रखेगा। आज इसी कारण बंबई के बाबा साहब अंबेडकर के निवास स्थान पर, राजगुरु पर, नीला नहीं काला झंडा लहराया गया है। तो अब जब आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी होने वाली ही है, अब जब उनको सरेंडर करना ही करना है, तो मेरा आप तमाम साथियों से अपील है कि आनंद तेलतुंबड़े साहब की गिरफ्तारी हो और हम लोग खामोश रहे, वो भी 14 अप्रैल के दिन, ये किसी कीमत पर नहीं चलेगा। आप जहां पर भी बैठे हैं, भारत के, देश और दुनिया के किसी भी एक कोने में बैठे हैं, ट्वीट करिए। अभी दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच में हमारी दूसरी एक टीम, बहुत से आंदोलनकारी साथी, प्रगतिशील लोग, अंबेडकराइट, सारे लोग दुनिया में जो फैले हुए, वो सभी मिलकर 12 बजे से 2 बजे के बीच डू नॉट अरेस्ट आनंद तेलतुंबड़े इस हैशटैग के साथ ट्विटर ट्रेंड भी करवाने वाले हैं। जो भी उनमें जुड़ सके वो जुड़े, ट्वीट करे, फेसबुक के इस लाइव को और दूसरे लोग भी देख पाए, इसलिए अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए। ये लाइव जब पूरा हो तो उसको जमकर शेयर करिए, उसके लिंक्स को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डालिए, आप अपने तरीके से फेसबुक लाइव करिए, वीडियोस बनाइए अपने, आनंद तेलतुंबड़े साहब के बहुत से पोस्टर्स आप लोग बना सकते हैं। यानी कि भारत की सरकार को ये मैसेज मिलना चाहिए कि डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं, और भारत का दलित, भारत की सरकार को
इस कारनामे के कारण कभी माफ नहीं करेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस सरकार को माफ नहीं करेगी। आनंद तेलतुंबड़े के परिचय के बारे में मैं आपको बताऊं, वो केवल मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद है, प्रकाश अम्बेडकर के बहन हुई है, उनके परिवार के सदस्य, ये उनकी पहचान है। उनकी असली पहचान ये है कि वो उन प्रगतिशील साथियों में से है, वो उन प्रगतिशील भारतीयों में से है जिन्होंने एक जाति विहीन समाज की रचना का स्वप्न देखा है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो एजेंडा था एनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति निर्मूलन कैसे हो, इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने अनगिनत निबंध लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, करीब करीब 25-30 से ज्यादा किताबें लिखी है। अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बतौर प्रोफेसर, वहां पर वो उनकी पढ़ाई हुई IIM अहमदाबाद में कुछ वक्त के लिए, और वहां पर उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पे काम किया है, IIT कानपुर में काम किया है, IIT खड़गपुर में काम किया है, अब तक वो गोवा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे थे बतौर प्रोफेसर। एक बहुत बड़े नामी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, पूरी देश और दुनिया के अंदर डजनों यूनिवर्सिटीज में, विदेशों की डजनों यूनिवर्सिटीज में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जनता के सवालों को लेकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, जाति निर्मूलन का एजेंडा कैसे मटेरियलाइज कर सकते हैं, जाति विहीन समाज की रचना कैसे हो सकती है, ऐसे बहुत से मामलों पर उन्होंने पेपर्स लिखे, रिसर्च पेपर पेश किए, बहुत काम किया है। ऐसे साथी की गिरफ्तारी होना मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बात है। और भीमा कोरेगांव के मामले में आप जानते हैं कि भीमा कोरेगांव की विरासत दलित समुदाय के साथी हर साल मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, और 2018 के जनवरी के महीने में जब भीमा कोरेगांव का सेलिब्रेशन हो रहा था, उसके पहले आप याद करिए दो चीजें हुई मोदी जी के शासन के दौरान। बेसिकली मोदी जी के शासन के दौरान किसानों का आंदोलन, स्टूडेंट्स का आंदोलन और दलित कम्युनिटी का आंदोलन, ये तीन बड़े आंदोलन हुए। उसमें भी सबसे ज्यादा सड़कों पर स्पॉन्टेनियसली स्वयंफूर्त अपने आप जो लोग सड़कों पर निकले उसमें सबसे ज्यादा शायद दलित है, जैसा कि रोहित वेमुला की सुसाइड, जिसको हम सुसाइड न मानते हुए एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं, सांस्थानिक हत्या, तो रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद फिर उना का जो आंदोलन हुआ, भीमा कोरेगांव का जो मूवमेंट हुआ, 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ, और फिर रविदास मंदिर के टूटने पर दिल्ली में और पूरे देश के अलग अलग जगहों पर जो आंदोलन हुआ, तो रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, उना का आंदोलन, भीमा कोरेगांव की लड़ाई, 2 अप्रैल का भारत बंद और रविदास मंदिर के टूटने के बाद उसको तोड़ जाने के बाद जो आंदोलन हुआ, वो साफ तौर के दिखाता है कि ये हिंदुत्ववादी बीजेपी और RSS के खिलाफ भारत का दलित लड़ने का एक बहुत ही जबरदस्त जज्बा रखता है। आज इनके लिए सबसे बड़े चैलेंज के रूप में जो लोग उभर कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो दलित समुदाय के युवा साथी है। तो उना का आंदोलन हो चुका था, भीमा कोरेगांव में ये जो फर्जी मुकदमे चाले हुए उसके पहले रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद भी आंदोलन हो चुका था, और कहीं ना कहीं उस आंदोलन से घबराई हुई RSS और भाजपा ने यह तय कर लिया था कि यदि इस जज्बे को यहीं पर रोका नहीं गया, यदि कुछ अंबेडकराइट्स को नक्सलवादी बोलकर जेलों में डाला नहीं गया और यह जज्बा और भी हवा पकड़ता रहा, तो 2019 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें इस मुल्क के, भारत के दलित बहुत ही भारी पड़ेंगे। और इसी कारण मुझे लग रहा है कि एक साजिश रची गई महाराष्ट्र की भाजपा सरकार के दौरान, भाजपा सरकार के द्वारा, और एक बाय एक, वन बाय वन जितने भी प्रगतिशील साथी है, कुछ अम्बेडकराइट्स है, कुछ एडवोकेट्स है, ह्यूमन राइट्स का कार्यकर्ता है सुधा वगैरह, और उन सभी साथियों को भीमा कोरेगांव के मामले में नक्सलाइट बोलकर उनको पिछले 1-1.5-2 साल से जेलों में डाल के रखा है, और उसी तर्ज पर आज साथी आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी हो रही है। आनंद तेलतुंबड़े बहुत ही लिबरल डेमोक्रेटिक प्रगतिशील साथी है, और उनका मैं मानता हूं कि नक्सलवाद तो छोड़िए, किसी भी स्वरूप की, किसी भी किस्म की हिंसा के साथ उनका जीवन में कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा। वो एक बुद्धिजीवी आदमी है, उनका काम कि संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई, ये मूल्य समाज में कैसे प्रस्तापित हो, और वो केवल कोई दलित समुदाय के सवालों के ऊपर बात करने वाले नेता नहीं, बात करने वाले साथी नहीं है, वो सारे गरीब तबकों के ऊपर बात करते हैं। तो इस प्रकार हमला बोलकर बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के सदस्यों को भी नहीं छोड़ना, और वो भी 14 अप्रैल के दिन, मुझे लगता है कि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियां
मोदी साहब के, माफ कीजिएगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के इस काले कारनामे को कभी माफ नहीं करेंगे। आज आप लोग सोच सकते हैं कि उनकी पत्नी, उनके परिवार के सदस्य, उनकी बेटियां और आपके हमारे जैसे उनके लेखन के अनगिनत चाहने वाले बहुत से लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो 14 अप्रैल के दिन ही डॉक्टर आनंद तिलतुमड़े की गिरफ्तारी होना, मैं उसका पुरजोश विरोध करता हूँ और आप तमाम साथियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ट्विटर पे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, जहाँ पर भी आप लोग लिख पाए, पुरजोर इस बात का विरोध करें कि आनंद तेलतुंबड़े को आज जब उनकी गिरफ्तारी हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन सरेंडर हो जाने के बाद सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर कुछ पूछ परछ करके, कुछ बेसिक उनसे सवाल पूछ कर उनको छोड़ सकती है। उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो पूरे भारत की जनता को हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं, जय भीम के नारे के साथ, कि एक साथ उठ खड़े होइए और जल्द से जल्द आनंद तेलतुंबड़े की रिहाई हो। इस बात के ऊपर हम लोगों को एक दबाव बनाना चाहिए सरकार के साथ, और मुझे लगता है कि यदि पूरा भारत इस मामले को लेकर उठ खड़े हो, आप मुझसे वैचारिक रूप से सहमत है, कुछ मामलों में असहमत है, दूसरे जो लोग दलित आंदोलन के साथ जुड़े उन सभी को अपील है मेरा कि पूरे भारत में से यदि एक साथ ये आवाज उठ खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि सरकार पर दबाव जरूर बनेगा और आनंद तेलतुंबड़े की रिहाई होगी। तो ये पहली बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। दूसरा मैं बात करना चाहता था कि 14 अप्रैल के दिन एक तरीके से बहुत से मुद्दे पर बात करने का एक मौका होता है। देखिए, पिछले 5 साल दलित समुदाय के लिए, सच देखिए तो केवल दलितों के लिए नहीं, माइनॉरिटीज है, आदिवासी है, छात्र, नौजवान है, किसान है, मजदूर है, इन सब के लिए बहुत ही खराब गुजरे हैं। पूरा देश एक तरफ से मंदी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना की महामारी है, अर्थतंत्र का पिछले 5 साल के दौरान पूर्ण रूप से कबाड़ा हो चुका है। जीएसटी की पॉलिसी, नोटबंदी लेकर आए मोदी जी, बेरोजगारी के सवाल ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अब इसके ऊपर भी जिस प्रकार से कोरोना का कहर है, तो मुझे लग रहा है कि हम सबको आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की इस जन्म जयंती के मौके पर इस बात को भी सोचना चाहिए कि आखिर इस मुल्क में स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद भी पब्लिक हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज हम लोगों के बीच में क्यों नहीं है। गुजरात जिसको एक मॉडल के तौर में पेश किया जा रहा है पूरे देश के अंदर और दुनिया में, एक तरह से ढिंढोरा पिटा गया कि गुजरात का मॉडल ही विकास का सबसे बढ़िया नंबर वन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर भी टेस्टिंग किट्स नहीं है, कोरोना के जो भी विक्टिम्स है, जो पेशेंट्स है, और जिनको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, बहुत दिन से फीवर है, उनको कोरोना है कि नहीं उसकी जांच करने के लिए जो बेसिक किट्स चाहिए पूरे देश में तो नहीं है। गुजरात जिसको मॉडल स्टेट के तौर पे पेश किया गया है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी सब सेंटर, पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में करीब करीब 65 से 70% तक न मेडिकल फैसिलिटीज है, न मेडिकल स्टाफ है। तो मुझे लगता है कि 14 अप्रैल मनाने का तरीका केवल एक जय भीम कहने का नहीं, लेकिन दलित और दूसरे जो दबे कुचले तबके हैं, जो डाउनट्रोडल समुदाय के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, और पूरे भारत की जनता को जात पात धर्म को सबको छोड़कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा वो पूरे मुल्क के लिए लिखा है, केवल कोई शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं लिखा है। उनकी जो चेतना थी वो सारे समुदाय को लेकर एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि नए भारत का निर्माण जाति निर्मूलन के बिना, यानी कि जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना नहीं हो सकता है, लेकिन उनका सरोकार सारे गरीबों के, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चिकित्सा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, अर्थतंत्र से जुड़े सवाल हो, इन सारे सवालों के ऊपर उनका सरोकार था। वो सरोकार आपका और हमारा भी होना चाहिए, और आपको, हम सबको साथ में मिलकर आने वाले दिनों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के सवाल के ऊपर अपनी बात रखने के लिए, आंदोलन खड़े करने के लिए आज ही के दिन एक तरीके से संकल्पबद्ध होना चाहिए। गुजरात में मैंने जैसा कि कहा कि जांच के लिए, परीक्षण के लिए बेसिक मेडिकल किट्स तो नहीं है, लेकिन साथ साथ वेंटिलेटर्स की भी बहुत सी कमी है। मैंने मेरी बतौर विधायक जो भी मुझे ढाई हर साल पे 1.5 लाख की जो ग्रांट मिलती है, वो पूरा का पूरा ग्रांट मैंने सरकार को दे दिया है कि आप इस ग्रांट का कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मैक्सिमम उसमें से वेंटिलेटर्स खरीदे जाए। आप एक सोचिए कि दिल्ली का एम्स है या अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है, उसमें मान के चलिए उसके किसी वार्ड में 50 वेंटिलेटर पड़े हैं,
और कहीं पे किसी का एक्सीडेंट होता है और 5 लोगों को वेंटिलेटर पे रखने की नौबत आती है, यदि वो क्रिटिकल कंडीशन में है और उनको वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत पड़ती है, तो वो 50 वेंटिलेटर पे, तो 50 मरीज ऑलरेडी मशीन लगाकर बैठे हुए, वेंटिलेटर्स उनको लगा हुआ है, तो जब तक उनमें से कुछ लोग मरे नहीं या वेंटिलेटर हटाकर उनको मारने के लिए छोड़ दिया ना जाए, तब तक दूसरे वेंटिलेटर खाली हमारे पास है ही नहीं। मतलब वेंटिलेटर्स न होने के चलते अनगिनत लोगों की भारत में अब तक मौत हो चुकी है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर कफील जो यूपी से है और पब्लिक हेल्थ के सवाल को लेकर बहुत जमकर अपनी बात रखते हैं विद लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा, तो उन्होंने बीच में कार्यक्रम में जो उनके साथ मंच साझा किया था वो एक आंकड़ा दे रहे थे, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और यदि मैं गलत हूं तो मैं ये फिगर दोबारा करेक्ट करके आपके बीच में बात रखूंगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इन 2017 2017 के साल में हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज न होने के चलते दवाइयाँ और अस्पताल में सुविधाएं और मेडिकल स्टाफ न होने के चलते जो बच्चे भारत में मारे गए हैं उसका आंकड़ा केवल 2017 का, केवल एक साल की बात कर रहा हूं, 2017, 7,80,000 के ऊपर है। आज भी भारत में ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी और मलेरिया से जितने लोग मरते हैं उसका मात्रा हजारों में लाखों में चला जाता है हर 5 साल का, यदि आप लोग डेटा निकाले तो मुझे लगता है कि कोरोना एक महामारी, देखिए कोरोना है, इबोला है, इस प्रकार के फ्लू, इस प्रकार के वायरस और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के चलते लगातार पूरी दुनिया में पिछले कई दशकों से सैकड़ों से फैलते रहे और आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के वायरस तो आते रहेंगे। सवाल यह है कि वायरस का फैलना एक बात है और उसका एक तरह से महामारी में तब्दील होना वो दूसरी बात है। इस प्रकार के वायरस फैले लेकिन वो महामारी में तब्दील न हो, ये व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। तो व्यवस्था के अंदर जो उसके फॉल्ट लाइन्स है, पब्लिक हेल्थ के सवाल को हम लोगों ने बतौर सिटीजन, बतौर भारतीय, बतौर भारत के नागरिक कभी उठाया नहीं, उसी का यह नतीजा है कि सरकारों के ऊपर कभी प्रेशर नहीं बना कि पब्लिक हेल्थ को दुरुस्त करे, और जब पब्लिक हेल्थ दुरुस्त नहीं है, पब्लिक हेल्थ में न मेडिकल फैसिलिटीज है ढंग से, न स्टाफ है, और उसी के चलते इस प्रकार के जब वायरस फैलते हैं तो वो एक तरीके से महामारी का स्वरूप लेते हैं। तो यदि वो हम चाहे कि ये महामारी का स्वरूप ना ले और आने वाले दिनों में यदि इस प्रकार का कोई वायरस दूसरा फैलता है, हम चाहेंगे कि कोई ऐसा वायरस ना फैले, लेकिन यदि फैलता है और जैसे कि फैलेगा, इस प्रकार की चीजें तो होती रहती है, लेकिन उसमें से महामारी न फैले, उसके लिए हम लोगों को पुरजोश में एकजुट होकर बतौर नागरिक, बतौर भारतीय, जात पात धर्म कौम प्रांत प्रदेश सब छोड़कर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया पब्लिक हेल्थ के सवाल के ऊपर बात करना चाहिए। इनफैक्ट आज जब बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब अभी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, तब मुझे मन कर रहा था कि यदि पत्रकारों के साथ उन्होंने संवाद किया होता तो मैं चाहता कि कोई पत्रकार उनको ये कहता कि क्या मोदी जी आप, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि आप बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती के इस मौके पर इतना अनाउंसमेंट करेंगे कि बुलेट ट्रेन के पीछे जो 1 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है, जी हाँ, केवल एक बुलेट ट्रेन के पीछे 1,000 करोड़ नहीं, 2, 5, 10 हजार करोड़ भी नहीं, 10 हजार करोड़ भी नहीं, 1 लाख करोड़ बुलेट ट्रेन के पीछे खर्चा होने वाला है, और भारत का जो पार्लियामेंट है उसको एक ऐसा दूसरा नया पार्लियामेंट बनाने के लिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, बावजूद एक नया पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, मकान खड़ा करने के लिए दूसरे 20 हजार करोड़ डालने वाले हैं मोदी जी। तो यदि ये 1,20,000 करोड़ बुलेट ट्रेन और पार्लियामेंट का मकान तैयार करने के बजाय, यदि मुझे लगता है कि आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती के मौके पर ये 1,20,000 करोड़ पब्लिक हेल्थ और उसके रिलेटेड सुविधाएं खड़ी करने में, नए अस्पताल बनाने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में, एम्बुलेंसेस खरीदने में, व्हीलचेयर खरीदने में, स्ट्रेचर्स खरीदने में, टेस्टिंग किट्स खरीदने में, इस प्रकार की महामारी के खिलाफ जो भी सुविधाएं चाहिए उसको उपलब्ध करवाने के लिए हमारी मुल्क की आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बहनें, डॉक्टर, नर्स, जो आज हमारी फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तरह कोरोना की महामारी के खिलाफ लगे हुए हैं, उनके उनके पास बेसिक मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है, ग्लोव्स नहीं है पहनने के लिए, तो ये सारी चीज उपलब्ध करवाने के लिए यदि ये 1,20,000 करोड़ लगते तो मुझे लगता है, और यदि इस बात का अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी करते तब मुझे लगता कि उनका राष्ट्र के नाम संबोधन करने का कोई मतलब, बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होती।
आज बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच में होते तो वो ऐसी उम्मीद या ऐसी अपेक्षा नहीं रखते कि कोई नीले रंग का कुर्ता पहनकर उनके किसी स्टैच्यू को माला पहना है। नहीं, भारत के अंदर एक भी नागरिक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के सवाल से वंचित न हो, हर हाथ को काम मिले, काम का सही दाम मिले, इस प्रकार के भारत का निर्माण वो चाहते थे। तो आज यदि 14 अप्रैल के दिन इस प्रकार का अनाउंसमेंट होता और जब नहीं हुआ है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि सरकार के साथ एक डायलॉग भी करें। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अपॉइंटमेंट लूँ, ऑफिशियल मेरे लेटर पैड पे पत्र लिखकर कुछ युवा दूसरे यंग लीडर्स के साथ मैं कभी चाहूंगा कि मोदी जी से मिलकर बात करूँ कि किस प्रकार की हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं हमको गुजरात में और पूरे देश में खड़ी करनी चाहिए। जैसा कि आप में से बहुत से साथी जानते होंगे कि अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू का जो निर्माण हुआ गुजरात के आदिवासी इलाके में, तो वहां पर उस स्टैच्यू के निर्माण के लिए उसको इंस्टॉल करने में और उसके इर्द गिर्द में जो चीजें खड़ी की गई, अब तक 3,300 से ज्यादा करोड़ का पैसा खर्च हो चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक स्टैच्यू के पीछे 3,300 करोड़। आज पूरे भारत के न केवल दलित, 130 करोड़ नागरिकों की ओर से, 130 करोड़ जनता की ओर से मैं अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि गुजरात आपकी लेबोरेटरी रहा है, आपकी प्रयोगशाला रहा है, गुजरात की जनता को आप प्यार भी करते होंगे, तो आज इस बात का अनाउंसमेंट कर दीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर और बिरसा मुंडा के नाम से गुजरात के 33 जिलों में गरीब जनता के लिए, आम आदमी के लिए, आम औरत के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, इन सभी लोगों को ठीक से मेडिकल सुविधाएं मिले, उसके लिए 3,300 करोड़ का बजट गुजरात के 33 जिलों में डालकर, अलोकेट करके 100 करोड़ के अस्पताल बनाइए। स्टैच्यू तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बन गया, अब हमको बाबा साहब अंबेडकर का स्टैच्यू नहीं चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से अस्पताल बने और एक भी गरीब व्यक्ति की हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज सुविधाएं न होने के चलते मौत न हो, मुझे लगता है कि इस प्रकार की डिमांड्स को हमें खड़ा करना चाहिए। एक बार ये कोरोना का पूरा महामारी खत्म हो फिर मैं चाहूंगा कि कुछ युवा साथियों को लेकर मोदी साहब से भी मिलने की कोशिश करूं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब को भी मिलने की कोशिश करूं और सब लोग साथ में मिलकर शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के सवाल के ऊपर हम लोग बात करें। तो मैं आने वाले दिन में एक स्पेशल फेसबुक लाइव अलग से पब्लिक हेल्थ के सवाल को लेकर भी करना चाहूंगा कि पूरे गुजरात में पब्लिक हेल्थ का क्या सिचुएशन है, पूरे देश में पब्लिक हेल्थ का क्या सिचुएशन है, किस प्रकार का उसका बजट होना चाहिए और किस प्रकार से पूरी सिस्टम को हम लोगों को दुरुस्त करना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक दूसरा अलग से फेसबुक लाइव करके कभी बात करना चाहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये एक सवाल के ऊपर भी मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि इसके ऊपर भी धीरे धीरे एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना, अपनी बात रखना चालू, चाहे कुछ भी हो जाए हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ अधिकार है। तो ये एक दूसरी बात थी जो आपके बीच में रखना चाहता था। तीसरी बात की कोरोना की इस महामारी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा किसी को झेलना पड़ा है तो हमारे देश के मजदूर वर्ग को, ऐसे तो सभी झेलना पड़ा है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ठीक ठाक खाते पीते परिवार से आते हैं, उन सभी को कोरोना हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसी को मार पड़ी है तो हमारे मजदूर साथियों को, और विशेष तौर पर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है, यानी कि मान के चलिए गुजरात है या यूपी है या बिहार है, राजस्थान के, तो उस स्टेट के एक जिले से दूसरे जिलों में काम की तलाश में जो लोग जाते हैं वो, और राजस्थान से जो लोग गुजरात आते हैं या मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से गुजरात आते हैं, ऐसे बहुत से साथी जो गुजरात में फंसे हुए थे उनको मदद पहुंचाने के लिए, फूड पैकेट्स पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक नहीं पूरे 51 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं। शायद गुजरात में दूसरे किसी एमएलए ने इस प्रकार से इतने ज्यादा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च नहीं किए होंगे। राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की हमारी टीम और पूरे बहुत से हमारी टीम के संघर्षशील साथी इस सारी हेल्पलाइन के ऊपर लगे हुए हैं। तो बात ये करना चाहता हूं कि ये फूड पैकेट्स का वितरण तो होगा, हम लोग राशन पहुंचाने का काम तो करेंगे जब तक ये पूरा बवाल चलता है, लेकिन उसके बाद हम लोगों को कभी सोचना पड़ेगा कि आखिर स्वतंत्रता के इतने सालों के बावजूद भी भारत के मजदूर वर्ग के ये हालात क्यों है, आखिर इस मजदूर वर्ग की चिंता करने वाला कोई क्यों नहीं है। जो मजदूर उनको सड़कों पर पड़ा रहा, ऊपर आसमान नीचे धरती, इस प्रकार की परिस्थिति में अपनी बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप के साथ कई कई जगह पर, अनगिनत जगहों पर उन लोगों को पैदल चल के अपने घर पे जाना पड़ा, उनकी जेब में 2 पैसे नहीं थे, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है,
क्या हम अपने श्रमजीवी वर्ग को, क्या हम अपने वर्किंग क्लास को, हम अपनी मेहनतकश जनता को, आवाम को इस परिस्थिति में रखेंगे? उनके खून पसीने से, इन मजदूर वर्ग के खून और पसीने से पैदा होने वाली हर एक चीज वस्तु का इस्तेमाल आप और हम करते हैं, और आपका और हमारा जीवन ठीक ठाक चलता है, लेकिन जिनके खून पसीने से पैदा हुई चीज वस्तुओं का इस्तेमाल हम करते हैं, वो आज सड़क पर बिल्कुल ही डेप्लोरेबल कंडीशंस में पड़े हुए हैं। तो हम लोगों के इस मजदूर वर्ग के सवाल को लेकर भी कुछ सोचना चाहिए। कि देखिए, मैं साफ तौर पे मानता हूं कि बतौर विधायक मैं बहुत से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी ये कह चुका हूं कि गुजरात की असेंबली का जो मकान है, बतौर विधायक गुजरात की असेंबली के जिस बिल्डिंग में मैं बैठता हूं, उस बिल्डिंग का निर्माण भी निर्माण मजदूरों ने किया है। आज पूरे गुजरात के निर्माण मजदूर जो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट में अपना खून और पसीना देने के लिए, इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस देश के अर्थतंत्र और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, वो मजदूर साथी कोरोना की बीमारी के चलते अपने अपने तहसीलों में, जिलों में, गांव में, अपने अपने स्टेट में, तो क्या राज्य की सरकार उनके लिए एक सैनिटाइज्ड ट्रेन या सैनिटाइज्ड कुछ बसों का इंतजाम नहीं कर सकती? हम उनको क्या सड़क पे मरने के लिए छोड़ देंगे? हमारे गुजरात के और पूरे देश के ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस और के साथियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, राशन पहुंचाना, फूड पैकेट्स पहुंचाना, बहुत सी एनजीओस, बहुत से आंदोलनकारी लोग जो भी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें एक मानवतावादी वादी अभिगम है, तो इन तरह के बहुत से साथियों ने इस प्रकार की सामग्री तो पहुंचाई है। इस प्रकार की कुछ हम लोगों को डिमांड करना चाहिए कि वर्किंग क्लास, हमारे देश का मेहनतकश जनता, इस प्रकार की परिस्थिति में ना जिए। हमारे देश में आप देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, और लेबर मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि भारत के अंदर से जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो फिक्स पे स्केल है, गुजराती में हम लोग उसको फिक्स पगार की योजना कहते हैं वो, और आउटसोर्सिंग, ये पहले खत्म होने चाहिए। क्योंकि ये मजदूर इतनी खराब परिस्थिति में है, और इतनी खराब परिस्थिति में मिडिल क्लास क्यों नहीं है? सीधा सवाल है कि मिडिल क्लास ये आपके हमारे जैसे लोगों के घर में 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का अनाज भरा पड़ा रहता है। अब ये अनाज जो मजदूर पैदा करते हैं, गांव का छोटा किसान, सीमांत किसान या मजदूर पैदा करते हैं, या फैक्ट्री के हमारे जो कामगार है, वो इतना 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा फैक्ट्रियों, कारखानों में, इस मुल्क के खेतों में काम करने के बावजूद उनको अपनी खून पसीने की कमाई में से इतना कम पैसा मिलता है कि उनके पास हफ्ता 10 दिन का सामान भी नहीं होता है, जिसको हम लोग हैंड टू माउथ कहते हैं, रोज कमा कर रोज ये लोग खाने वाले हैं। तो इस वर्ग का भी हम लोगों को चिंता करना पड़ेगा, और इसको लेकर भी हम लोगों को एक डिमांड करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग, फिक्स पे की स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का पूर्ण रूप से नाबूदी होना चाहिए, न केवल गुजरात में, पूरे भारत के अंदर, ताकि मजदूर वर्ग की परिस्थिति में कुछ सुधारों में, ये नहीं कहना चाहता कि इससे उनके जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, लेकिन कुछ तो उनको रिलीफ मिलेंगी। हम लोग इतना भी उनकी रिलीफ के बारे में न सोचे, हमारे घर पे जो डोमेस्टिक काम करने के लिए बहनें आती है, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोता लगाने के लिए, हमारे बड़ी बड़ी मॉल्स में, मल्टीप्लेक्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, हमारे असेंबली के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, यदि हम लोग इनके श्रम का, उनके काम नहीं सीखेंगे, जो निर्माण मजदूरों के खून और पसीने से बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, इस बिल्डिंग में जो ईंटें बनती है वो किसी ईंट भट्ठे में बनती है, केमिकल की फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, तो ये सारा जो श्रमजीवी वर्ग है, इनके सवाल, दलितों के सवाल, आदिवासियों के सवाल, माइनॉरिटी के सवाल, छात्र नौजवानों के सवाल, किसान के सवाल, मध्यम वर्ग के सवाल, इन सारे सवालों को एक साथ हम लोग उठाएंगे, तब मुझे लगता है कि एक वैकल्पिक राजनीति का दरवाजा इस मुल्क में खुलेगा। और मैं मानता हूं कि यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच में आज जिंदा होते, तो इस श्रमजीवी वर्ग को लेकर, केवल दलित या आदिवासी को लेकर नहीं, इस श्रमजीवी वर्ग को लेकर बहुत ही चिंतित होते। हम लोगों को साथ में मिलकर, जिनके मैं बार बार अपने आप को ये रिपीट कर रहा हूं, और पूरा जीवन इस बात को मैं रिपीट करूंगा कि जिनके खून और पसीने से पैदा हुई हर एक कमोडिटीज और चीज वस्तु का आप और हम इस्तेमाल करते हैं, इस मेहनतकश जनता के पसीने का वैल्यू करना, कीमत करना, और उसको सही, अपने काम का सही दाम मिले, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुद्दे के ऊपर भी हमको बात करना चाहिए। मैं इस फेसबुक लाइव को यहाँ पर समाप्त करने से पहले और आखिरी में एक दो बात कहना चाहूँगा कि दोबारा आप तमाम लोग जो अब तक फेसबुक लाइव को देखे हैं,
कुछ भी करके आज जब आनंद तिलतुमड़े की गिरफ्तारी हो तो 24 घंटे के अंदर उनकी रिहाई हो जाए, उसका एक डिमांड पूर जोश से हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर आप पूरा दिलो जान से आप विरोध करिए, पब्लिक हेल्थ के सवाल को लेकर भी हम लोगों को कुछ ठोस मांगे और आंदोलन आने वाले दिनों में खड़ा करना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत की सरकार एटलीस्ट इतना तो कर दे कि जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की बहन है, डॉक्टर्स है, नर्सिस है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये फ्रंट लाइन हमारे जो सोल्जर्स है जो कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इनको ग्लोव्स मिले, सैनिटाइजर्स मिले और मास्क मिले, ये बेसिक फैसिलिटीज मिले और जनता के लिए एक प्रकार से टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल किया उपलब्ध करवाया जाए, वेंटिलेटर्स नए खरीदे जाए, इस प्रकार की डिमांड भी हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। और ये 2-3 महीने तक मतलब आशा करते हैं इस प्रकार की स्थिति में से हम लोग जल्द से जल्द निकल आए। लेकिन जिस प्रकार का पूरा पिक्चर हमारी आंखों के सामने है भारत में और पूरी दुनिया में, तो हमको लगता है कि अभी 2-3 महीने तक एटलीस्ट अगले 100 दिन तक हम लोगों को बहुत संभालना है, अपने आप को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को, अपने परिवार के सदस्यों को, लेकिन साथ में भी जो भी वंचित लोग हैं उन तक फूड सप्लाई कैसे पहुंचे, राशन कैसे पहुंचे, उसका भी हम लोगों को चिंता करना है। मैं आपके प्रकार से फेसबुक लाइव में जुड़ा रहूंगा। अब तमाम साथियों ने मुझे जो सुना, मुझे अपने विचार आपके बीच में रखने का मौका दिया, बहुत सी कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूं तमाम साथियों का, जिनकी कमेंट्स को मैं भी लाइव के दौरान मैं देख नहीं पाया हूं। जैसे कि कुछ साथी कह रहे हैं कि जय भीम बहुत बढ़िया, कुछ गाली भी दे रहे हैं, उनका वो मौलिक अधिकार है। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं फेसबुक के माध्यम से एक से ज़्यादा मुद्दे पर मैं चाहूँगा कि लगातार कोरोना की इस महामारी के दौरान और उसके अलावा भी आपके साथ मैं एक तरह से संपर्क डेवलप करूँ, आप भी लगातार मेरे साथ जुड़िए रहिएगा, इसको शेयर करिएगा और इसकी लिंक को हो सके उतने फेसबुक के पेजेस और व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिए। हम लोग साथ में मिलकर आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के इस अवसर पर इस बात को भी समझे कि जो एक शब्द प्रयोग में आया है सोशल डिस्टेंसिंग, सच देखिए तो सोशल डिस्टेंसिंग ये भारत का आत्मा रहा है और तभी आज भारत में जातीय व्यवस्था जिंदा है और छुआछूत जिंदा है। तो ये छुआछूत भी खत्म हो, जात पात धर्म कौम सब छोड़कर हम लोग एक सिटीजन के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे, शिक्षा के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पर, आने वाले दिनों में जो महंगाई बढ़ने वाली है, जो अर्थव्यवस्था का और भी कबाड़ा होने वाला है, जो बेरोजगारी बढ़ने वाली है, सुन रहे हैं कि करीब करीब 100 दिन के अंदर 10 करोड़ लोगों का भी रोजगार छीना जाएगा इस कोरोना के चलते। और देखिएगा मेरा शब्द आप याद रखिएगा, इस पूरे अर्थतंत्र के कबाड़े की शुरुआत पिछले 5 साल में हुई है, केवल कोरोना के चलते नहीं, कोरोना के चलते ये एग्रीवेट हुआ है, ये आर्थिक कबाड़ा और भी बढ़ा है, मंदी और भी बढ़ी है, महंगाई और भी बढ़ेगी, बेरोजगारी और भी बढ़ेगा, लेकिन ये मोदी साहब की 5-6 साल की नीतियों के चलते है। लेकिन मोदी जी बहुत एक स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे कि पूरा ठिकरा वो कोरोना के सर पर फोड़ेंगे, मंदी का, महंगाई का और बेरोजगारी का, और शिक्षा और चिकित्सा के सवाल से आप हम सबका ध्यान भटाने के लिए कहीं ना कहीं वो हिंदू मुसलमान करने की ही बात करेंगे, यही उनकी विचारधारा और यही उनका असली चरित्र है। तो हम लोगों को ये सब समझते हुए आने वाले दिनों में एक जाति विहीन समाज की रचना हो, एक नए भारत का निर्माण हो, एंटरप्रेन्योर्स है, स्मॉल और मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज के साथ ही है, बड़े बड़े टाटा बिरला अडानी अंबानी ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट जायंट्स को तो बहुत सी रियायतें मिलती है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो छोटे व्यापारी है, जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लोग हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है, श्रमजीवी वर्ग है, किसान, छात्र, नौजवान है, इन सबके हितों के बारे में बात नहीं होती। तो इन सबके सवालों को साझा करते हुए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम लोग लॉन्च करें और पहले तो इस मामले को लेकर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया जाए। हम अब तय करें आज अम्बेडकर जयंती के दिन पर जात पात धर्म कोण की नहीं, मंदिर और मस्जिद की नहीं, शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी आज क्यों है इस मुल्क में, इसकी बात करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आनंद तिलतुमड़े साहब जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।